नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज हम अपनी गुरु पूर्णिमा उत्सव की जो सीरीज है उसके एक नए पड़ाव पर आए हैं। आज सुशांत कश्यप जी मेरे स्टूडेंट हैं और मुझे गर्व है कि मेरे सभी स्टूडेंट्स बहुत ही श्रेष्ठ हैं, बहुत ही उत्तम हैं। जहां वो जाते हैं अपनी छाप छोड़ के आते हैं। तो आज वो एक स्टेबिलिटी इन प्रोफेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार सुशांत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र अवसर पर मुझे एक अवसर प्रदान करा। हालांकि आप अमूमन सभी विद्यार्थियों के लिए और सभी ज्योतिष से इंटरेस्ट रखने वाले सभी लोगों के लिए आप एक खुला मंच रखते हैं योर कालचक्र का, जिसपे कोई भी व्यक्ति ज्योतिष के विषय में आकर अपनी विचार प्रकट कर सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं गुरु पूर्णिमा के लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद भी करता हूँ, नमस्कार भी करता हूँ कि मैंने आपसे बहुत अच्छी ज्योतिष की पढ़ाई पढ़ी, आपके साथ में बहुत अच्छा सफर रहा और आज तक भी चल रहा है। और मैं मानता हूँ कि मैं तो ज्योतिष का वो विद्यार्थी हूँ जो जीवन पर्यंत विद्यार्थी ही रहूंगा, क्योंकि ये ज्ञान इतना असीम है, लंबा है कि इसको पढ़ते पढ़ते जो है न जाने कितनी उम्र की आवश्यकता पड़ती है व्यक्ति को। तो मैं तो सदैव चाहूंगा कि मैं आपके शरण में आपके पास रहकर कुछ ना कुछ नया सीखता रहूं जैसे आज तक सीखता आया हूँ। चलिए, आज आपने विषय के बारे में थोड़ा सा बता दिया है कि आज मैं बात करने वाला हूँ स्टेबिलिटी इन प्रोफेशन के बारे में। यानी कि अगर मैं मोटी मोटी बात कहूँ आम 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 भाषा में कि कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में चाहे नौकरी करता है, चाहे वो अपना कोई व्यापार करता है, बिजनेस करता है, उसमें वो एक अपनी स्टेबिलिटी चाहता है, एक स्थिरता चाहता है। मतलब कि एक ऐसा स्तर चाहता है जहां पर उसको पैसा आए, काम करे वो तो उसको पैसा भी साथ साथ आए और स्थिर पैसा आए, इनकम फ्लक्चुएट ना हो। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है, सभी व्यक्ति बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छाएं कर सकते हैं और स्टेबिलिटी इन प्रोफेशन चाहने की इच्छा सभी लोगों के मन में समांतर होगी भी। लेकिन यहाँ पर फिर अंत में रोल आता है कि आपकी जन्म कुंडली में कौन से जन्म से ऐसे योग बने हुए हैं जो योग आपको बताते हैं कि स्टेबिलिटी आपके जीवन में है भी या नहीं। पहला तो प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न है कि यदि है तो कौन सी आयु में जाकर वो स्टेबिलिटी हमें मिलेगी, यानी कौन सा ऐसा वक्त आएगा जब हमें उस स्टेबिलिटी के बारे में पता चलेगा या हम उस दौर से गुजरेंगे। तो इन्हीं दो विषय को समझने के लिए कि स्टेबिलिटी किन किन कुंडलियों में नहीं होती है और अगर जिन कुंडलियों में होती है तो किस वक्त में उसका फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलता है, इसी विषय की चर्चा करते हुए मैं आपको उदाहरण के साथ में आज बताने जा रहा हूं। तो चलिए, मैं सबसे पहले शनि से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उनकी तरफ लेकर चलता हूं आपको। तो अब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं जो कि हमारी है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें देखने हैं। महत्वपूर्ण बातें हमें समझनी सबसे पहले ये जरूरी है कि किसी भी जन्म कुंडली में शनि ग्रह उसके कर्म का कारक होता है। कर्म का कारक का मतलब मैंने इसको थोड़ा इस तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करी है कि शनि वो ट्रांसपेरेंट कांच का जार है या एक डिब्बा है जिसके अंदर आप जो चीज डालोगे उसी चीज का कर्मा आपकी लाइफ में शुरू हो जाएगा। सैटर्न इज लाइक ट्रांसपेरेंट, वो जो आप उसमें भरना चाहेंगे वो वैसा ही आपको साथ देगा। शनि महाराज कहते हैं कि मेरा कोई धर्म नहीं, मैं किसी भी धर्म से संपर्क नहीं रखता, मेरा सिर्फ और सिर्फ धर्म है कर्म का, मेरा कर्म ही धर्म है।
यानी जो एजुकेशन, जो कर्म, जो इच्छाएं जो आप मेरे में डालेंगे, मैं एक फोर्स हूं, वो फोर्स आपके साथ में चल दूंगा। तो सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि कुंडली में जब हमें देखना है तो पहले ये समझना है कि शनि आपका कर्म है, आपका प्रोफेशन है। अब खाली शनि से काम मिल जाए या शनि बहुत अच्छा है, शनि मजबूत है, इस बात का आधार लेकर अगर हम देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि वहां पर स्टेबिलिटी इन प्रोफेशन हम खाली शनि से नहीं निकाल सकते। हमें बहुत सी चीजों पे ध्यान देना है। जैसे कि सबसे पहले हमें समझना है कि सैटर्न अनस्टेबिलिटी जो देता है प्रोफेशन में, किन किन लोगों के जीवन में अनस्टेबिलिटी होती है और क्या रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीजन है आप राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन नहीं कर रहे हैं। यानी कि शनि आपकी कुंडली में जहां बैठा है उसकी आगे की यात्रा में उससे संपर्क करने वाले जो ग्रह हैं, यदि आपने उनके अनुसार उस काम नहीं पकड़ा हुआ है, तो यानी कि आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। तो इस वजह से सबसे पहले राइट प्रोफेशन में ना होने की वजह से स्टेबिलिटी नहीं मिलती व्यक्तियों को, सबसे पहला एक कारण। दूसरा कारण होता है कि सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना या वक्री होना और सैटर्न का एग्जॉल्टेड, डेबिलिटेटेड और राशि के तत्व के अनुसार भी वो अनस्टेबिलिटी देता है। मैं एक उदाहरण देता हूं, जिन भी लोगों का शनि वक्री होता है ऐसे लोगों की जिंदगी में स्टेबिलिटी अमूमन 30 साल की उम्र के बाद ही आती है। मैं आपको एक एवरेज डाटा दे रहा हूं कि जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि वक्री होगा, ऐसा व्यक्ति जीवन के 31 या 32वें वर्ष के बाद स्टेबिलिटी की तरफ अपना पहला स्टेप उठाता है। उससे पहले वो बार बार नौकरियां चेंज करता रहेगा, वो काम में स्टेबल नहीं रहेगा, या तो किसी कारण, अधिकतर रेट्रो शनि वाले खुद नौकरियां छोड़ते हैं, इन्हें कोई निकालता नहीं है, सबसे पहली चीज है। और क्या होता है कि रेट्रो शनि आपको भटकाता है। भटकाता क्यों है, वो ये कहता है कि पिछले जन्म में कोई एक ऐसा कार्य था जो तू अधूरा छोड़कर आया है, इस जन्म में मैंने तुझे रेट्रोग्रेडनेस दिया, यानी कि अपने उस कार्य को पहचान जो तेरे पास्ट लाइफ का प्रोफेशन है, अगर उसको तूने पकड़ लिया तो तू हो जाएगा। मतलब कि जिन लोगों के रेट्रो शनि होती है, इनका मतलब है आपका प्रोफेशन ऑलरेडी पास्ट लाइफ में शुरू हो चुका है, बस आपको इस लाइफ के अंदर उस प्रोफेशन को पहचानना है। अगर आपने उस प्रोफेशन को पहचान लिया तो आप बहुत अच्छे स्टेबल उसमें जाएंगे। इसलिए आप देखेंगे कि रेट्रो सैटर्न वाले लोग जो होते हैं, जब उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है ना, लेट एजेस में आती है, तो आप देखेंगे बड़े लंबे समय तक वो अपनी जिंदगी को जीते हैं, क्योंकि शनि वो कनेक्ट बना देता है पास्ट लाइफ से जो उनकी लाइफ में होना चाहिए। तो रेट्रोग्रेडनेस क्या देता है, एक तो अनस्टेबल जॉब देता है, बार बार चेंजेस कराता है, क्विक एग्जिट जॉब्स, मतलब ऐसा व्यक्ति बार बार नौकरी छोड़े। अब मैं आपको बताता हूं कि और इसमें तड़का कैसे लगता है। देखिए, अगर शनि नीच का है, मेरी शब्द को, यानी कि नीच का मतलब कि मेष राशि का है, तो अमूमन ऐसे लोग सक्सेसफुल होने के बाद भी अनसक्सेसफुल होते हैं। रीजन क्या होता है, उनके मन से जेलिसी नहीं जाती कभी जिंदगी भर। उनका मन क्या कहता है, वो हमेशा ये कहते रहते हैं मैं तो जो कमा रहा हूं, लेकिन मेरा पड़ोस वाला तो मेरे से भी ज्यादा कमा रहा है। मतलब वो व्यक्ति अगर स्टेबल भी कमा रहा होगा, डेबिलिटेटेड शनि वाला, तो भी उसके मन में एक भावना रहेगी कि मेरे से बेहतर तो वो व्यक्ति कमा रहा है, वो तो मेरे पास काम करता था, आज जाके उसने अपना काम खोल लिया, हम तो वहीं के वहीं रह गए, वो तो न जाने कहाँ पहुंच गया। ऐसी भाषा शैली का प्रयोग करते हुए आपको दिखेगा, क्योंकि अग्नि तत्व में आकर शनि जो होता है ना, उसको बेचैनी महसूस होती है मंगल के, उसमें डिजायर्स बहुत कुछ होती है करने की, हम ऐसा कर देंगे, मैं ऐसा करना चाहूंगा, लेकिन एक्चुअल में सैटर्न के एफर्ट्स बन नहीं पाते। तो एक तो डेबिलिटेटेड सैटर्न आपको जेलिसी, दूसरों से कंपेयरिंग करने के चक्कर में आप जितना कमा भी रहे होते हो ना, उससे भी आपको पीछे ले जाता है। इसके बाद क्या होता है कि सैटर्न जब डेबिलिटेटेड साइन में होता है या अग्नि तत्व राशियों में होता है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि मेष राशि को छोड़ के
बाकी अग्नि की दो राशि बची यानी सिंह और धनु, इन दो राशियों का जो शनि होगा वो कभी झुकता नहीं है किसी के आगे, मैं ये बता दूं। एक पिक्चर आई थी पुष्पा राज, उसमें डायलॉग है पुष्पा राज झुकेगा नहीं, वो वाला हाल है कि सैटर्न जो सिंह राशि और धनु राशि वाला होगा, या तो वो गवर्नमेंट जॉब पाके रहता है ऐसा व्यक्ति अपनी जिद से, और नहीं तो वो अपना स्वतंत्र कार्य करने की प्रयास करेगा वो व्यक्ति, लेकिन किसी की जेलसी वगैरह देखकर वो नहीं उस चीज में जाएगा, वो कोशिश करेगा कि मैं अपने आप पर मेहनत करूं। देखिए जब शनि वायु तत्व राशि में हो, माने कि 3, 7, 11 राशि, और ऐसे में अगर आप देखते हैं कि शनि रेट्रो भी है, तो देखिए ऐसे लोगों के जीवन में ना स्टेबिलिटी इन प्रोफेशन के लिए काफी वक्त लग जाता है, क्योंकि शनि वायु तत्व राशि में जब आता है तो वैसे भी बड़ा फ्लक्चुएटेड महसूस करता है। उसका रीजन क्या है कि वहां पर वो व्यक्ति ना थोड़ा सा बहुत जल्दी में रहेगा धन कमाने की, और उस चक्कर में वो बार बार प्रोफेशन को बदलेगा भी, और शनि रेट्रो हो गया तो और पोजीशंस ज्यादा देरी से कर देता है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जिन लोगों का शनि जल तत्व राशि में होता है और शनि कुंडली के चौथे, आठवें या 12वें भाव का शनि है, मैंने दो बातें कही, या तो शनि जल तत्व राशि का हो या शनि कुंडली के चौथे, आठवें और 12वें भाव में स्थित हो, ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने जन्म स्थान से दूर जाकर ही सक्सेसफुल होते हैं। अब यहां पर बात आती है, जैसे मैंने कहा ना राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन, तो ऐसे ही राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशनल डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है। आप मान लीजिए किसी व्यक्ति का जल तत्व का शनि है और वो व्यक्ति बेचारा नेटिव प्लेस पे बड़ी मेहनत कर रहा है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो रहा, इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि उसको प्लेस चेंज करनी है, क्योंकि शनि कह रहा है कि या तो जल के किनारे रहो जाकर, यानी कि वाटर एक्टिविटीज के पास रहो, और नहीं तो ऐसी जगह चले जाओ जो स्थान से दूर हो जाए, क्योंकि जल तत्व राशि ट्रैवलिंग को बहुत ज्यादा दिखाती है, ट्रैवल को। पहले जमाने में इसे विदेश का प्रयोग किया जाता था, और आज भी मैं कहूँ तो फॉरेन ट्रेवल या फॉरेन में सेटलमेंट होने के लिए अगर ऐसे लोग प्रयास करेंगे तो ज्यादा बेहतर जिंदगी जी पाएंगे, एक तो ये कारण होते हैं। अब मैं आपको एक बड़ी अद्भुत बात बताने जा रहा हूं, वो ये है कि शनि महाराज जब उच्च के होते हैं, ऐसी कुंडली वाले व्यक्ति को पत्थर तोड़ने के बराबर मेहनत करनी पड़ती है। हो सकता है मेरी इस बात से लोग अलग अलग विचार निकालें, लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि उच्च का होता है ऐसे व्यक्ति को पत्थर तोड़ मेहनत जिंदगी में करनी पड़ती है, अपनी तो अपनी, अपने घर के न जाने कितने सदस्यों की जिम्मेदारी वो अकेला व्यक्ति उठाएगा। उसका रीजन क्या है, देखिए शनि तुला राशि में उच्च का होता है, तुला राशि का अर्थ होता है बराबर करना, तराजू को बराबर करना, यानी कर्म को वो व्यक्ति इतना हार्डवर्क कराता है शनि, क्योंकि शनि हार्डवर्क का कारक है। सैटर्न ने कभी ये नहीं कहा कि मैं आपको इजी मनी दिलाता हूं या मैं शॉर्टकट तरीके से काम करा सकता हूं, वो कहता है आई एम द स्लोएस्ट प्लैनेट इन द प्लैनेट सीरीज, सबसे धीरे चलने वाला हूं और धीरे ही चलता हूं। तो होता क्या है, उच्च का शनि बड़ी मेहनत कराता है लोगों से, ऐसे व्यक्ति को जी तोड़ मेहनत करवाएगा, और वो व्यक्ति जिंदगी भर यही बात कहता है कि मैंने जितनी मेहनत करी मुझे उतना नसीब ने दिया, बाकी इससे फालतू मुझे कुछ नहीं मिला, क्योंकि सैटर्न इस साइन के अंदर उच्च का होके कहता है कि आपको बहुत हार्डवर्क करना है, और उच्च का शनि वाला जहां टेढ़ी टेढ़ी चाल चलेगा अपनी जिंदगी के अंदर, शॉर्टकट मनी बनाने की कोशिश करेगा या इधर उधर से पैसे कमाने की कोशिश करेगा, सबसे पहले पकड़ा जाएगा, क्योंकि सैटर्न आपका ऐसा पोजीशन में, आपको इक्वालिटी से काम करना है, आपको ईमानदारी से काम करना है, नहीं तो शनि आपको कभी भी किस पल पटक दे सकता है। अगर मान लीजिए उच्च के शनि वाले ने किसी यदा कदा कारण पैतृक संपत्ति की वजह से सक्सेस हासिल कर भी ली, और जहां उसने खराब कर्म करने शुरू करे, तो पता नहीं चलेगा शनि का जैसे ही मूवमेंट वापस आएगा तुला राशि की तरफ या मेष राशि की तरफ, एकदम से ऐसा डाउनफॉल आएगा कि बिल्कुल नीचे बैठ जाता है ऐसा इंसान। तो आप अपने शनि को यह पहचानना है कि वो किस स्टेट में आपके काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि
राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन हम ढूंढें कैसे? देखिए, शनि की कुछ एस्पेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे शनि का दूसरा एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तीसरा एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सातवां भी इंपॉर्टेंट होता है, दसवां भी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब 2, 3, 7 और 10 ये एस्पेक्ट सैटर्न के ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को उसकी कुंडली में दर्शाते हैं कि इन एस्पेक्ट में यदि किसी व्यक्ति के ग्रह बैठे हैं शनि के, और खास तौर पर उसमें से शुक्र या गुरु शनि से दूसरे, तीसरे, सातवें या दसवें घर में विराजमान है, तो ये मानकर चलिए उस व्यक्ति के जीवन में स्टेबिलिटी आनी तय है। वो व्यक्ति जीवन में भरपूर पैसे का मजा भी लेगा। लेकिन शनि के अगर दूसरे, तीसरे, सातवें, दसवें एस्पेक्ट में शुक्र भी नहीं है और गुरु भी नहीं है, तो ये समझ के चलिए कि आपकी कुंडली में भाग्य का और शुक्र, जो एक ऐसा ऐसा प्लैनेट होता है जो अपनी इच्छाओं को पूरी कराने के लिए शनि से मेहनत कराता है, वो भी अगर साथ में नहीं है, तो देखिए आप समझ लिए कि फिर आपके कर्म को साथ मिल किसका रहा है। भाई, कर्म दो चीज कहता है, या तो पैसा मिल जाए शुक्र, या अगर पैसा ना मिले तो गुरु का भाग्य मिल जाए जो भाग्य से पैसा प्राप्त हो जाए। और जब ये दोनों ही ग्रह शनि से संबंध अच्छा नहीं बनाएंगे तो जातक पैसे कैसे कमाएगा? शनि वो मेहनत है, शुक्र वो उसका फल है जो उसको पैसा दिलवाता है या काम दिलाता है। अब शनि से एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि और कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में जबरदस्त हर्डल्स आती हैं अनस्टेबिलिटी की। शनि ग्रह से छठे या आठवें भाव में जब भी मंगल बैठेगा, या केतु जैसा ग्रह आएगा, या सूर्य जैसा ग्रह आएगा, ऐसा व्यक्ति बड़ी ठोकरे खाता है प्रोफेशन में। उसका काम सेटल नहीं होता, वो जहां काम करने जाएगा वहां लड़ाई झगड़े उसके साथ होंगे। मैं अपनी प्रैक्टिस में, मैंने बड़े बड़े से बड़े बॉस से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की मेरे पास कुंडली आती थी, उनके मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक व्यक्ति की कुंडली में शनि से अष्टम भाव में सूर्य बैठा था और वहां पे राहु का भी विराजमान था। मैंने कहा था कि एक ऐसा वक्त आएगा कि आपको नौकरी से निकाला जाएगा, और वो स्थिति उनके जीवन में आई जब शनि का गोचर वहां से गुजरा तो उनको जॉब से निकाल दिया गया। उसका कारण रहा डीफेम का, क्योंकि सूर्य राहु, जब भी शनि से राहु 6-8 जाएगा और सूर्य भी संबंध बनाएगा, ऐसा व्यक्ति की डीफेम होने के कारण नौकरी चली जाती है। और मंगल यदि 6-8 शनि से आ जाए तो ये समझ के चलिए कि आप जो भी काम करने जाएंगे उसमें अड़ंगा आना तय है। आप काम करने बैठेंगे आपकी लेबर चली जाएगी, आप कोई और काम करने बैठेंगे आपका बॉस आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आपके रिश्तेदार आपको, आप विदेश जाना चाहेंगे पैसा कमाना चाहेंगे, रिश्तेदार ही आपकी टांग नहीं छोड़ेंगे, बाहर जाने ही नहीं देंगे आपको रिलेटिव्स आपके। मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार की समस्याएं आते हैं। केतु एक ऐसा ग्रह है जो शनि के साथ यदि संबंध बनाए और अगर आपने केतु के अनुसार कार्य नहीं किया तो वो शनि का जो पाथ है ट्रेवलिंग का उसे खुलने नहीं देता। केतु हमेशा शनि की लाइन को काटने की कोशिश करता है, इसलिए शनि केतु वाले को स्टेबिलिटी तो दूर की बात है, उसको नौकरी मिल जाए या नौकरी कर ले वो बड़ी बात है, क्योंकि शनि केतु जल्दी से नौकरी नहीं करने देते। और अगर आप उसे ढकेलने नौकरी में तो बहुत गलत बात है, क्योंकि शनि केतु वाले के जीवन में नौकरी नहीं है। वो करेगा काम, उसको अपना काम करने दीजिए, या अध्यात्म से संबंधित यदि वो कोई कार्य करेगा निश्चित तौर पर सफल होगा। अब उदाहरण के माध्यम से मैं आज आपको एक सबसे पहले एक मेल व्यक्ति की कुंडली दिखाते हुए समझाता हूं कि कैसे स्टेबिलिटी की एज निकाली जाती है और कैसे देखा जाता है कि बिफोर स्टेबिलिटी कैसे लाइफ में स्ट्रगल आती है। ये एक मेल कुंडली है जहां पर आप देखते हैं शनि रेट्रो है, तो मैंने पहले ही बताया कि शनि रेट्रो है तो व्यक्ति को स्टेबिलिटी 30, 31, 32 वर्ष के बाद ही मिलनी तय है। अब यहां देखें कि इस कुंडली में शनि के नवम भाव में, यानी शनि के त्रिकोण में शुक्र बैठा है, वो भी उच्च का शुक्र बैठा है, यानी शनि शुक्र का संबंध बहुत ही सुंदर आ गया। लेकिन शनि के सप्तम भाव में सूर्य और मंगल विराजमान है, जो कि दोनों उसके शत्रु हैं, ये भी बात तय है, उसमें कि मंगल एग्जॉल्टेड भी है। तो ये मान के चलिए जब तक शनि अपने 30 साल का भ्रमण पूरा नहीं करेगा तब तक इस व्यक्ति की जिंदगी में परेशानी आती रहेगी। कैसी परेशानी आती रहेगी? जैसे कि काम
पे झगड़ा होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है ऐसे लोगों की, तो झगड़े के कारण नौकरी स्टेबल नहीं रहेगी। लेकिन इस कुंडली में आप एक बड़ी जबरदस्त चीज देखेंगे कि इस कुंडली में शनि को शुक्र का साथ तो मिला हुआ है, लेकिन बृहस्पति का भी भाग्य प्राप्त है। शनि के 10वें भाव में बृहस्पति बैठा है। मैंने जो रूल अभी आपको बताए कि शनि से दूसरे, तीसरे, सातवें और 10वें भाव में यदि ग्रह हैं तो वह व्यक्ति जीवन में कुछ कर पाएगा, उसका नाम हो पाएगा, उसे दुनिया जान पाएगी, अन्यथा ऐसे ही आएंगे और ऐसे ही जाएंगे। मेरी बात लग सकती है, लेकिन जो बात सत्य है मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। अब आप देखिए कि शनि का जैसे 30 साल तक का समय था, इस व्यक्ति ने बड़ी नौकरियां करी, छोड़ी भी, झगड़े भी होते रहे, काम नहीं हुआ, घर से, फैमिली से, पिता की तरफ से परेशानी हुई। अब आप देखिए शनि सूर्य का योग है सामने मंगल का, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, अपने पिता के काम को भी करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां भी सफलता नहीं प्राप्त हुई, क्योंकि यहाँ पर शनि सूर्य आमने सामने है, तो प्रतिस्पर्धा की, प्रतिस्पर्धा नहीं कहूंगा लेकिन आमने सामने आर्गुमेंटेटिव कंडीशंस आएंगी। जैसे ही सैटर्न ने अपना 30 साल का अनुभव हटा, जैसे ही 30 साल कवरेज करी, 31-32वें वर्ष ने जातक ने चंद्रमा के ऊपर जैसे ही शनि आया, भाग्य साइकिल, ये ध्यान रखिए, 9th हाउस से जब भी शनि गुजरता है व्यक्ति के, तो उसके भाग्य के चक्र को खोलते हुए जाता है। गुरु भी जब 24 साल के बाद व्यक्ति के 9वें भाव से जब भी गुजरेगा, जीवन के अंदर तरक्की लेके आता है, भाग्य, भाग्य के चक्र को खोलता है। जैसे ही शनि चंद्रमा के ऊपर गया 31वें वर्ष में, मतलब आगे जब निकला 32.5 वर्ष के आसपास, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या चेंज आया, चेंज इन प्लेस आया। इस व्यक्ति को प्लेस चेंज करनी पड़ी। जो मैं कहता आया हूं कि शनि यहाँ पे कर्क राशि में, जल तत्व का स्टेबिलिटी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि व्यक्ति जगह नहीं चेंज करा। इन्होंने अपना क्षेत्र छोड़कर 500-600 किलोमीटर अपने घर से दूर जाकर इन्होंने काम किया, जैसे ही चंद्रमा के ऊपर शनि आया। और देखिए जैसे ही चेंज इन प्लेस आया, स्टेबिलिटी का पहला स्टेप शुरू हुआ, और उसके बाद जैसे ही आप देख सकते हैं इस कुंडली के अंदर कि जैसे ही 32.5 साल की उम्र क्रॉस हुई है, और जैसे ही शनि, जहां मैंने रेड मार्क लगाया है वहां पर आया है, शुक्र को सातवीं दृष्टि से देखा है, उस दिन से, उस आयु से भाग्य उदय हो जाता है। वहां से इस व्यक्ति के जीवन में स्टेबिलिटी हो गई। आज ये व्यक्ति 6 से 7 करोड़ रुपए, 6 से 7 करोड़ इस साल का इसका टर्नओवर है, जबकि ये व्यक्ति पहले कभी दूध बेचा करता था। सुन के बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन यही ग्रहों की कृपा होती है और स्टेबिलिटी का समझ होता है। तो ये व्यक्ति यहाँ पहुंचा और इसकी खुद की अपनी इंडस्ट्री है, मतलब अपना खुद का अपना प्रोडक्शन का काम है, बहुत अच्छा आयरन का वर्क है, बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे फरारी आदि कंपनियों से इसका माल आता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यक्ति किस स्तर पर कार्य कर रहा है। तो स्टेबिलिटी का एक उदाहरण हमने यहाँ पर देखा। चलिए अब हम एक दूसरे जन्म पत्री की तरफ नजर डालते हैं। देखिए यहाँ पर भी अब एक ये फीमेल की कुंडली आ गई, और यहाँ पर मैं आपको एक दिलचस्प चीज बताऊंगा कि देखिए अब इस कुंडली में आप देखिए कि शनि रेट्रो है, तो फिर से इनकी स्टेबिलिटी भी 30 वर्ष के बाद आएगी। लेकिन इस कुंडली में और पिछली कुंडली का अंतर ये आएगा कि ये व्यक्ति, ये जो फीमेल है, ये थोड़ा लेट स्टेबल होगी। कारण समझते हैं। इस कुंडली के अंदर आप देखें कि शनि के तुरंत सामने मंगल है, और शनि के 3रे भाव के अंदर राहु बैठा है, और शनि के 9वें भाव में शुक्र बैठा है। लेकिन आप देखें कि शुक्र की स्थिति बेहतर नहीं है, और शनि भी रेट्रो होकर पीछे की तरफ जा रहा है। यहां पर बस उसको एक साथ जो मिल रहा है वो जुपिटर, एग्जॉल्टेड जुपिटर का, यानी भाग्य का इसको साथ बहुत मिलेगा। व्यक्ति, इस फीमेल को भाग्य ने बड़ा साथ दिया। 30 वर्ष जैसे ही क्रॉस होंगे, और ये शनि जब शुक्र को 30 वर्ष के बाद अपनी सातवीं दृष्टि से देखेगा, जो कि उम्र बनती है लगभग 37.5 साल की आयु बनती है, और जैसे ही 11वें भाव में शनि जाएगा, तो आप माने वाकई में 37.5 साल के बाद इस फीमेल की जिंदगी में स्टेबल जॉब आई, एक स्टेबल जॉब पे लग गई। आज ये अमेरिका की एक बड़ी प्रसिद्ध कंपनी के अंदर नौकरी करती है, स्टेबल भी है, दो दो गाड़ियां हैं इसके बाद, मकान भी है, सब चीजों से संपूर्ण है भगवान की कृपा से। और ये स्टेबिलिटी 37वें वर्ष से आई, उससे पहले जी तोड़ मेहनत करनी पड़ी। उसका रीजन, मंगल जो सामने से देख रहा है और रेट्रो शनि जो है, जो मैंने कहा, ये व्यक्ति को जी तोड़ मेहनत कराता है। अब मैं एक हिंट यहाँ पे देना चाहता हूं, जो मैंने पहले कहा कि एक बात होती है कि आपकी कुंडली में जो शनि जहां भी बैठा होता है ना,
उसकी आगे की जो जर्नी है वो दिखाती है कि जो जो ग्रह बीच में आ रहे हैं, या तो आप वैसा काम कर लो तो शनि का पाथ क्लियर हो जाएगा, मतलब वो ग्रह कहेंगे कि सैटर्न वी वेलकम यू टू क्रॉस फ्रॉम आवर सिनेरियो, क्योंकि हमने वो आपके आपने हमारे जैसा गुण अपनाया हुआ है, इसलिए हम आपको अपने घर में से दरवाजा देते हैं गुजरने के लिए। यानी शनि अगर उनके कारक तत्वों को अपनाता है अपने प्रोफेशन में तो सैटर्न के लिए पाथ फ्री होगा। तो इस लेडी ने जैसे ही टेक्निकल लाइन में अपनी एंट्री करी, इसकी लाइफ चेंज हो गई, क्योंकि इसमें एक कॉम्बिनेशन है जो टेक्निकल को दर्शाता है, उस कॉम्बिनेशन से ही सक्सेस है। साथ में विदेश योग भी है, तो विदेशी कंपनी में जैसे ही काम किया टेक्निकल, तो उनका लाइफ सक्सेसफुल यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके बाद 45 की एज में और जबरदस्त स्टेबिलिटी मिलेगी जब सैटर्न जुपिटर के ऊपर से ट्रांजिट करेगा। तो चलिए अपने अपने अलग एक और एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। अब मैं यहाँ पर जो आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल है यंग एज के अंदर नौकरी लगना, स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा, यंग एज में नौकरी की बात कर रहा हूँ, स्टेबिलिटी भी बताऊंगा। देखिए होता क्या है, सबसे पहले ये समझना है, जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि से दूसरे तीसरे सातवें या दसवें या शनि के साथ बृहस्पति बैठा हो, ऐसे व्यक्ति जल्दी नौकरी पकड़ते हैं, जल्दी उम्र में काम मिलता है। कारण क्या है, शनि ट्रेवल, देखिए इस कुंडली में शनि ने ट्रेवल किया आगे की तरफ, बृहस्पति बैठा है, काम को भाग्य का सहारा मिल गया, पढ़ाई करी, इंटरव्यू देने गए, जाते ही नौकरी मिल गई। ये तभी संभव है जब शनि और बृहस्पति या शुक्र का संबंध कुंडली में हो। अब इस कुंडली में आप देखें कि सैटर्न रेट्रो है, यानी स्टेबिलिटी तो इस बच्चे को भी 30 साल के बाद ही मिलनी है, चाहे इसको नौकरी जल्दी मिल जाए। लेकिन इस कुंडली में शनि का शुक्र से भी संबंध है, शनि का बृहस्पति से भी संबंध है, और शनि का उच्च के मंगल से भी संबंध है। तो लेकिन इस कुंडली में शनि के छठे और आठवें भाव में उसके जबरदस्त शत्रु बैठे हैं, सूर्य और केतु। यानी बाप के कारण, पिता के किसी कारणवश इस बच्चे को नौकरी छोड़नी पड़ेगी, या नौकरी में रुकावटें आई होंगी, जो कि निश्चित तौर पे हुआ। केतु कट मारता है, होता क्या है कि शनि से जब आठवें भाव में केतु होगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसे व्यक्ति की तबीयत खराब होने की वजह से नौकरियां नहीं टिकती हैं, मतलब उसको हेल्थ कुछ रुकावट या उसके पराक्रम को पूरा नहीं होने देगा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी कटिंग कर देगा उसके काम में जो उसको परेशानी करते हुए देता है, जैसे पैसे बराबर नहीं मिलते नौकरी करने पर, ये चीजें। तो 30 वर्ष तक तो इस बच्चे की जिंदगी में भी स्ट्रगल है, लेकिन क्योंकि गुरु आगे बैठा हुआ है शनि की ट्रेवलिंग में, तो नौकरी लगभग 22-23 वर्ष की उम्र में बड़े आराम से नौकरी प्राप्त हो जाएगी, जो कि मिली भी है। रेट्रो सैटर्न होने की वजह से बार बार दिमाग दौड़ेगा, तो सरी 30 साल से पहले बार बार मन करेगा मैं ये जॉब छोड़ देता हूँ, मुझे इसमें स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, मैं कुछ और काम पकड़ लेता हूँ। लेकिन वो एक बहुत बड़ा गलत कार्य रहेगा पकड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इस कुंडली में वेट करना, पेशेंस करने की जरूरत है। मैं एक बात बता दूं, रेट्रो शनि कहता है अपने काम के अंदर पेशेंस डेवलप करो, अपनी स्टेबिलिटी के लिए मत झगड़ो, अपने कर्म के लिए कार्य को करते रहो, मैं पेशेंस अपने आप अपने दूसरे चक्र के अंदर मैं दूंगा। देखिए सर, मैं मानता हूं कि शनि की देने की जो स्थिति है और किसी भी व्यक्ति की लेने की स्थिति, वो जिंदगी में 30 और 60 वर्ष ही है। कहते हैं कि 60 वर्ष तक ही व्यक्ति के अंदर वो ऊर्जा बचती है जो होती है, इसीलिए 60 वर्ष में हमारे देश के अंदर यूं अमूमन हर जगह 60 वर्ष के बाद रिटायरमेंट का भी प्रोविजर है, क्योंकि उस शरीर के अनुसार भी सैटर्न के आधार पे वो सारी चीजें रखी गई है कि ऊर्जा नहीं बचती है शरीर में, फिर शरीर जो है बुढ़ापे और बीमारियों की तरफ जल्दी जाता है। तो 30 साल तक यदि स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, तो 30 से 60 के बीच में शनि आपको कुछ दे सकता है, लेकिन फिर वही मैंने बात कही, शर्त सिर्फ इतनी है कि जन्म कुंडली में शनि का शुक्र से भी संबंध होना चाहिए, शनि का गुरु से भी संबंध होना चाहिए, और अगर व्यक्ति का चलो शुक्र से भी संबंध नहीं है तो कम से कम गुरु से संबंध हो। और मैं कहता हूं चलो शुक्र से भी संबंध नहीं है, गुरु से भी संबंध नहीं है, तो आज आपके चैनल के माध्यम से एक छोटी सी बात रिसर्च की कहना चाहूंगा कि पूरी कुंडली में शनि जहां भी बैठा हो, उसके दूसरे भाव के स्वामी से यदि शनि का कोई संबंध स्थापित होगा, तो ऐसा व्यक्ति भी जीवन में भरपूर पैसा कमाता है, ये भी एक तरीके का राजयोग है।
शनि के दूसरे भाव का मालिक, जैसे इस कुंडली में देखिए कि शनि के दूसरे भाव का मालिक बुध है, जो कि उच्च का बैठा है, उसका शनि से संबंध है, तो यहाँ पे जो कमी की जो भरपाई है वो पूरी होते हुए दिख रही है। शुक्र डेबिलिटेटेड है, लेकिन फिर भी बुध की वजह से यहाँ पे शनि को प्राप्ति हो रही है। चलिए अब हम अगली कुंडली की तरफ नजर डालते हैं, वहां देखते हैं। अब मैं आपके सामने एक अद्भुत एग्जाम्पल प्रेजेंट करने जा रहा हूं, जहां पे शनि रेट्रो भी नहीं है, और कैसे क्विकली पढ़ाई करी, और क्विकली पढ़ाई करने के बाद जॉब करी, और इतनी जल्दी सक्सेस प्राप्त हुई, बड़ा अनबिलीवेबल है। और योग वही है जो मैंने बताया। देखिए, इस कुंडली में शनि के पंचम भाव में शुक्र बैठा है, बहुत अच्छी राशि का है। गुरु बैठा है नवम भाव में। देखिए, शनि का संबंध आ गया शुक्र से भी, गुरु से भी। अब शनि के दूसरे भाव का जो स्वामी है वो भी गुरु ही है, उससे भी संबंध आ गया। इस लड़की का जन्म 1994 में मई के महीने में हुआ है, और लड़की ने जैसे ही शिक्षा अपनी कंप्लीट करी, बीटेक पूरा कंप्लीट किया, करने के बाद एक जॉब पकड़ी। जॉब हालांकि जल्दी मिली, जैसा मैंने कहा आपको, शनि गुरु और शुक्र के संबंध हो तो नौकरी जल्दी मिलती है, और टेक्निकल पकड़ी। देखिए, मंगल तीसरे भाव में बैठा है, या मैंने कहा कि बड़ा ही भाग्य जबरदस्त काम करता है जब ये दो ग्रह जुड़ते हैं, तो अपने आप ऑटोमेटिकली टेक्निकल जॉब मिली। तो मिलते ही पहले 8,000 की नौकरी पड़ी, उसके बाद में चेंज करके 35,000 की नौकरी पकड़ी, और जैसे ही जीवन का 25वां मतलब जैसे ही जीवन का 25वां वर्ष आया, 25 से 26वां वर्ष आया, जातिका की 35 लाख रुपीज पर एमएम, यानी पूरे 35 लाख का साल का पैकेज उसको मिल गया। कहाँ, वो 35,000 पे काम कर रही थी, और बहुत प्रसिद्ध एमएनसी कंपनी के अंदर वो गई। क्यों? क्योंकि आप देखिए, इस कुंडली के अंदर रेमेडी, ऐसे लोग जिंदगी में रेमेडी नहीं करेंगे प्रोफेशन के लिए, क्योंकि रेमेडी की जरूरत नहीं है ना। आपके कर्म को पैसे का साथ मिल रहा है, भाग्य का साथ मिल रहा है, आप रेमेडी क्यों करेंगे? हाँ, वो बात अलग है कि मैरिज लाइफ से संबंधित या और चीजों से संबंधित बातें अलग है, पर प्रोफेशन में रेमेडी की जरूरत नहीं। मैं एक चीज भी बताना चाहूंगा कि रेमेडी स्टेबिलिटी के लिए वही लोग ज्यादातर करते हैं जिनका एक तो रेट्रो सैटर्न होता है, दूसरा जिसके शनि के, मैंने जो दो कुछ भाव बताए, शनि से दूसरे तीसरे सातवें दसवें भाव के अंदर यदि उसके एनिमिटी प्लैनेट बैठे हो, तो ऐसा व्यक्ति ही रेमेडी की तरफ दौड़ता है, और रेमेडी करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि नाड़ी कहती है कि नाड़ी में सबसे बड़ा उपाय है कि खराब समय से बचने का सबसे उपाय, बड़ा उपाय है, उसको गुजारा जाए, उसको काटा जाए, यही सबसे बड़ा उपाय होता है। शनि की साइकिल का वेट करना चाहिए, शनि उस साइकिल के वेट के हिसाब से आपको फल देता है। और इस कुंडली के अंदर मैं बता दूं कि जैसे जैसे ये शनि आगे आगे बदलता जाएगा, आगे बड़ा अद्भुत लाभ इसको प्राप्त होगा। चलिए अब हम एक और ऐसी कुंडली की तरफ चलते हैं जो कुंडली फैमिली से भी काफी मजबूत थी, और जो लड़की मैंने अभी पीछे बताया उससे भी तेज प्रक्रिया से जिसने धन प्राप्ति करी या स्टेबिलिटी इन प्रोफेशन करी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी शनि वक्री नहीं है, और पिछली कुंडली में भी शनि वक्री नहीं था, तो 30 साल से पहले स्टेबिलिटी आ जाती है, लेकिन कुछ केसेस में नहीं आती, वहां पर कुछ एक्सेप्शनल रीजंस अलग होते हैं जो हमें चार्ट में देखने हैं। आप देखिए, शनि और बुध का संबंध है, मित्र है, शनि से आगे ही शुक्र महाराज बैठे हुए हैं, सूर्य महाराज बैठे हुए हैं, और शनि से तीसरे भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो मैंने जो कहा ना कि शनि से 2, 3, 7 और शनि के 7 और 10वें भाव में ग्रह हो, देखिए लाइन झड़ी लगी हुई है। अब यहाँ हम सिंपल कह सकते हैं कि जातिका ने अपनी शिक्षा कंप्लीट करी, कंप्लीट करते ही जातिका अपने पिता के प्रोफेशन में चली गई, जो पिता ने करियर तैयार करके रखा था, क्योंकि सूर्य आगे बैठा है, और तुरंत उसमें जाते ही सक्सेसफुल हो गई। ये एक लॉयर भी है, साथ साथ में एक बहुत बड़ी एजुकेशन कंपनी के अंदर बहुत एक मालिक भी है, इनकी खुद की अपनी एजुकेशनल कंपनी भी है। ये बड़े बड़े कोर्सेज कराते हैं, जो कि पायलट से लेकर ऊपर एमबीबीएस बड़े कोर्सेज होते हैं, जो कि काफी हाई लेवल होते हैं। तो 30 वर्ष से बहुत ही कम, मतलब मैं कहूंगा लगभग 25 वर्ष की आयु में, ये बहुत अच्छे धन प्राप्ति की और स्टेबिलिटी की तरफ इनकी कुंडली जाती हुई दिख रही है, क्योंकि शनि का पाथ क्लियर है, शनि को रुकावट देने वाले ग्रह नहीं है। यहाँ देखिए, और यहाँ पर भी सैटर्न जो है वो रेट्रो नहीं है, और आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि कितना सुंदर संबंध यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद फिर भी हम इन्हें ये सजेस्ट करते हैं, क्योंकि शनि जल तत्व राशि का है,
तो अगर ये विदेश में रहें तो ये भारत के संबंध में कुछ ज्यादा ही पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें तीसरे भाव का भी संबंध आ रहा है, 12वें भाव का भी संबंध बैठ रहा है, नवम भाव का भी बैठ रहा है, और शनि उस जल तत्व राशि का भी। हालांकि इस जातिका की कक्षा 12वीं के बाद से ही सारी शिक्षा लंदन में हुई है, लंदन में इन्होंने पढ़ाई की है, लंदन से ही ये लॉ करके आए हैं, लंदन से ही इन्होंने अपना सारा करियर बेहतर बनाया है, तो वो दिखता ही है यहाँ पर आपको इसके अंदर। और मेरी तरफ से यही कुछ एग्जाम्पल थे शनि के विषय में। और अंत में मैं दो तीन पॉइंट्स यहाँ पर और देना चाहूंगा शनि का। देखिए शनि ग्रह जिनका रेट्रो होता है, और अगर वो व्यक्ति घर में बड़े हैं और खास तौर पर मेल है, मतलब लड़का है और घर में बड़ा है अपने भाइयों में या सिस्टर में, तो उस व्यक्ति के जीवन में कठिनाई आने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाएगी। उसका कारण क्या है कि एक तो आप बड़े हो गए, फिर से आप शनि स्वरूप में आ गए, ऊपर से आपका रेट्रो सैटर्न है, तो इस वजह से जो है ऐसी पोजीशन के अंदर सैटर्न और धक्के लगवाता है, जिम्मेदारियां और बढ़वा देता है। कई बार ऐसे आप देखेंगे कि ऐसे घर में वो व्यक्ति भी ज्यादा कमाता होगा और वो और लोगों के लिए भी भरपाई करता होगा। हाँ, लेकिन अगर आप घर में छोटे हैं और आपका सैटर्न रेट्रो है, तो ऐसी पोजिशन के अंदर आपके ऊपर इम्पैक्ट थोड़े से कम आएंगे। और मैंने थोड़ा सा अनुभव ये किया है कि या तो शनि रेट्रो हो ना, तो होता क्या है, या तो ऐसे व्यक्ति का बड़ा भाई होता नहीं है अमूमन, वो खुद ही बड़ा होता है। और यदा कदा यदि उसका बड़ा भाई मिल भी गया किसी कारण से, तो उस बड़े भाई की लाइफ में स्टेबिलिटी आपको मिलेगी नहीं होते हुए, वो भी दिखेगा कि बड़ा परेशान है बड़ा भाई। हाँ, रेट्रो सैटर्न से बच कौन लोग जाते हैं, या किन लोगों पे शनि वक्री कम प्रभाव डालता है, मैं देखिए यहाँ पर सारा कारक के हिसाब से बात कर रहा हूँ। देखिए, जिस घर में सिबलिंग्स के अंदर यदि एक लड़का है और दो बहनें हैं और शनि वक्री है, तो ऐसे व्यक्ति को शुक्र का साथ मिलता है, क्योंकि उसके घर के अंदर जो शुक्र आया हुआ है, वो उसकी बहनें जो हैं वो शुक्र में भी काउंट होती हैं, शुक्र और बुध की होती है, तो शनि के मित्र होते हैं। तो आप देखेंगे कि रेट्रो सैटर्न अगर किसी का आया है और आपको दिखता है कि वो 30 साल से पहले स्टेबल हो गया है, तो पूछ के देखिए कि उसके सिबलिंग्स के अंदर बहनों की तादाद ज्यादा होगी या वो सबसे छोटा होगा और उसके ऊपर दो बहनें या एक बहनें होंगी, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अगर महिला की कुंडली में शनि वक्री है, तो भी वहां पर मैं आपको बताऊं इम्पैक्ट सेम आते हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये पड़ जाता है कि कहीं ना कहीं वहां पर आप एक चीज आप समझ के देखिए। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि हमारे फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि फीमेल्स में कुछ पेशेंस का जो लेवल है ना, वो मेल के कंपेयर में ज्यादा बेहतर होता है, जो मैंने अनुभव किया है। उसका रीजन भी वैज्ञानिक तौर पर भी कहा जाता है कि एक संतान उत्पत्ति करने के लिए वो 9 महीने के पेशेंस से निकालने वाले वो 9 महीने साथ में दर्द सहना, और ये अपने आप में एक वैज्ञानिक उदाहरण है कि एक फीमेल में, और जैसे पालन पोषण जो माँ कर सकती है बच्चे का, वो पिता नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पेशेंस उसके अंदर डेवलप होता है। तो अगर शनि वक्री है किसी महिला की कुंडली के अंदर, वो इधर उधर ट्यूशन पढ़ाकर या छोटा मोटा घर का काम कर या फूड का काम कर कुछ भी कार्य करेगी, लेकिन वो जॉबलेस नहीं रह सकती कभी, ये मेरा अनुभव कहता है। लेकिन अगर मेल मिलेगा, वो आपको जॉबलेस मिल सकता है रेट्रो सैटर्न वाला। वो ऐसा भी मिल सकता है कि वो घर पे पड़ा रहे, वो कहे मैं काम ही नहीं कर रहा, जब काम मेरे पास आए मैं काम के पास नहीं जाऊंगा, ऐसा भी देखने को मिलेगा। लेकिन जिस कुंडली में, फीमेल कुंडली में यदि सैटर्न रेट्रो हो जाए और शुक्र भी वक्री हो जाए, वहां पर थोड़ी कहानी खराब हो जाती है, वहां पर स्टेबिलिटी 30 साल के बाद ही मिलती है, और वहां पर फीमेल को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक लास्ट पॉइंट में यहाँ पर कहूंगा कि आपको बहुत सी ऐसी कुंडली मिलेंगी, ये वीडियो देखने के बाद लोग इस बात को कहेंगे कि हमने ऐसी कुंडलियां भी देखी हैं, हमारे पास कुंडली है जिसमें शनि के दूसरे तीसरे सातवें दसवें भाव में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति सक्सेसफुल है। जी हाँ, बिल्कुल होगा। मैं उदाहरण के तौर पर खुद बता देता हूँ, भारत के पूर्व प्रेसिडेंट रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जन्म कुंडली में शनि के इन किसी भी भाव में ग्रह नहीं थे, पिछले भाव में ग्रह बैठे थे, लगातार पिछले 3 भावों में ग्रह बैठे थे। इसका अर्थ क्या है कि ऐसा जातक पास्ट लाइफ से ऑलरेडी ही अपनी स्किल को इतना डेवलप करके आया है कि वो इस जन्म में जब कार्य करेगा तो वो एक फील्ड में ही करेगा,
एपीजे अब्दुल कलाम को आपने देखा कि उनके कार्य को उन्होंने कोई पारिवारिक उनके ऊपर वो नहीं था, उन्होंने एक ही सतह की तरह काम करा। तो उन्होंने पैसा जोड़ने के लिए कार्य नहीं किया, ना अपनी लग्जरी को बनाने के लिए किया, उन्होंने कर्म प्रधान होकर कार्य किया। यहीं पर मैं दूसरा एग्जाम्पल कोट करता हूँ, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की कुंडली में भी शनि के आगे आपको ग्रह प्राप्त नहीं होंगे। शनि के पिछले तीन भावों के अंदर ग्रह बैठे हुए हैं। जिस व्यक्ति के शनि के पिछले तीन भावों में ग्रह बैठे होते हैं, ऐसे व्यक्ति या तो और इस जन्म में जो जन्म लेते हैं, कार्य करते हैं, ऐसा करते हैं जो उनके जैसा कोई कर नहीं सकता। एक्सेप्शनल केस होते हैं ऐसे लोग। सचिन जैसा कोई और नहीं है, अब्दुल कलाम जैसा कोई और नहीं है, क्योंकि एक्सेप्शनल कार्य करते हैं, क्योंकि पिछले जन्म का प्रारब्ध काफी स्ट्रांग होता है। शनि के आगे के घर दिखाते हैं कि इस जन्म में आपकी सैटर्न की यात्रा क्या है 60 और 90 वर्ष तक। इसके अलावा शनि के एक और खासियत बात है सैटर्न की, जो बड़ी अद्भुत लगती है, वो ये होती है कि कई बार आपको ऐसी कुंडलियां दिखाई देंगी जिन कुंडलियों में शनि का शुक्र से भी संबंध नहीं है, शनि का गुरु से भी संबंध नहीं है, शनि का अपने दूसरे भाव के स्वामी से भी संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी जातक बहुत ज्यादा संपत्ति का मालिक होता है। वो उस केस में होता है जहां शनि का सूर्य या मंगल या बुध से संबंध मिले, जिसमें पैतृक तौर पर या परिवार में से कोई जायदाद को खड़ी करके प्रदान कर दे। लेकिन ये बात भी मैं कहता हूँ, ये श्योरिटी नहीं है कि बिना शुक्र और बृहस्पति का संबंध ना हो और सूर्य मंगल और बुध का संबंध बन जाए शनि से, तो वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को बढ़ाने तो दूर की बात है, उतना स्टेबल भी करके रख जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि शुक्र और गुरु आपको एक ऐसी सलाह देते हैं, एक ऐसा पैसा देते हैं जो आपके लॉन्ग टर्म तक चलता है, जो कि और अन्य ग्रह कोई भी प्रदान नहीं कर सकता। तो आज की वीडियो में जो मेरी नॉलेज थी वो मैंने आपके आगे साझा करी। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। मुझे भी बहुत संतोष मिलता है जब मैं अपने स्टूडेंट्स को इस कॉन्फिडेंस से और इतने अधिकार से अपनी बात को रखते हुए देखता हूँ। मेरी मेहनत सफल हो जाती है जब मैं अपने स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि वो कहीं खड़े होते हैं तो अपनी पहचान अलग से बनाते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और सुशांत जी का मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है, जिनको कंसल्टेंसी संबंधित कोई बात करनी है उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।